आइए मैम इधर। पहले तो मैं खुद कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे जो पूरे कास्ट को, पूरे क्रू को, हमारे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स अभिज्ञान जी, मृणाल, द चैनल, दंगल, जिन्होंने बैक किया है ऐसे कमाल के शो को कि आज की तारीख में इस तरह का शो, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको किसी भी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो वो बैक करना बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट पर आप एक शो बना रहे हैं। पहले तो मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस शो से जुड़े हर इंसान को, हमारे पूरे कास्ट को, क्रू को, हमारे प्रोड्यूसर्स अभिज्ञान जी, मृणाल जी, हु हैव रिटन अ फैंटास्टिक शो, जिन्होंने ऐसे शो, ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो आज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स दंगल, मनीष जी एंड द एंटायर चैनल टीम, जिन्होंने एआई जैसे कॉन्सेप्ट पर शो बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स पर, रोबोटिक्स पर, हम मतलब आगे की कहानी आज बता रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं इस शो का हिस्सा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये शो देखें क्योंकि ये अपने वक्त से आगे का शो है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स हैं, हर कोई कैरेक्टर इसमें, आपको एक दो कैरेक्टर्स नहीं, आपको मतलब बतेरे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जो हर कैरेक्टर अलग तरह से आपके साथ जुड़ेगा। अगर मेरे कैरेक्टर की बात करें, परेश परमार जो हैं वो एक थोड़ा सा एक कमाल का जीनियस साइंटिस्ट है, लेकिन वो साइंस का इस्तेमाल दुनिया की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए करना चाहता है, और उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो ये समझता है कि जो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या शातिर हैं उनको पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, और वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बाकी दुनिया के लोगों को ना के बराबर समझता है, और वो उसका शायद आई डोंट नो सबसे बड़ी खामी है, और लेकिन उस वजह से वो खड़ूस टाइप का इंसान है, मेरी तरह मुस्करा नहीं पाता। तो इसे प्ले करने में बड़ा चैलेंज आ रहा है मुझे, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है। आपके जितने भी किरदार हमने देखे हैं काफ़ी अलग है, और AI से रिलेटेड आजकल का जो ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, AI जो जनरेशन आ गया है, आपको इस किरदार में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जो आपने इस किरदार के लिए हाँ किया है? क्योंकि हमने आर्टिकल 370 में भी आपको देखा, नज़र आए हैं आप, इस बार में क्या अलग है और क्या पसंदीदा चीज़ आपको लगा इस कैरेक्टर में? तो ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई लोग ऐसा ऐसा सवाल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपने तनाव जैसा शो था अगर सोनी लिव पर, उसमें आपने नेगेटिव शेड किया, आपने अफवाह एक फिल्म है उसमें अलग एक नेगेटिव शेड आया, आर्टिकल 370 अब जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें एक नेगेटिव शेड है, तो फिर इसमें ऐसा क्या अलग है? क्योंकि ये भी आप एक नेगेटिव, बट बहुत अलग है, बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर्स थे ना, इनके पास एक
एक जैसे एक इमोशनल रीज़न था जो वो कर रहे थे, उसके लिए एक इमोशनल रीज़न था। जैसे आर्टिकल 370 की बात करें तो उस कैरेक्टर में वो उसका मानना था कि भाई कश्मीर को एक 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 अलग हिस्सा होना चाहिए, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और बाकी लोग जो हैं वो नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम को, उस तरह का। यहाँ ये जो कैरेक्टर है इसको कोई इमोशनल इशू नहीं है किसी और से, ये ऐसा लग रहा है जैसे पैदाइशी अपने आप को दुनिया से बेहतर समझता है। तो इसको परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल लोगों से ऊपर नहीं समझता, मैं कई बार शायद अपने आप को कम समझता हूँ। कई बार एक्टर्स जो होते हैं ना, हम हमेशा अपने आप को हमेशा थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं कि यार सही हुआ नहीं हुआ, नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ, उस तरह खुद को हमेशा थोड़ा सा क्या राइट वर्ड रहेगा, मतलब हम कम आँकने लगते हैं अपने आप। दुनिया बोलती रहती है अरे बहुत अच्छा किया ये किया, हम बोलते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया, तो ये आदमी है नहीं मैं ही कमाल हूँ, आप सब छोटे हैं। तो इस तरह का किरदार करना बड़ा चैलेंजिंग होता है और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक होता है ना, जैसे हर इंसान सपने देखता है कि भाई यार काश ये हो जाए ऐसा हो जाए, और उस सपनों में वो दुनिया को भूल जाता है। तो ऐसे सपनों में मैंने परेश परवार को भूला, मतलब मैं जैसे कि आप एक सपना देख रहे हैं कि भाई ये मैं दुनिया का राजा हूँ और बाकी सब जो हैं वो प्रजा भी नहीं, वो चींटियाँ हैं जिन्हें मैं रौंद सकता हूँ। तो ऐसे सपना में देखने लगा तो मुझे परेश परवार नज़र आए अपने अंदर। तो ये पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा कमाल की चीज़ है कि AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक शो बन रहा है, तो उसके लिए तो देखना ज़रूरी है। लेकिन उसके नीचे जो इसका जो कोर है इस शो का, वो एक माँ की कहानी है, जो जैसे परेश परवार विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, यहाँ एक माँ है जो जिसके लिए सबसे क्या कहते हैं जिसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी बेटी को कुछ ही वक्त में खो सकती है, हमेशा के लिए खो सकती है, और उसको बचाने के लिए वो विज्ञान का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करेगी, ये है जननी की कहानी। और वो देखना मुझे लगता है वो हर कोई कनेक्ट करेगा उस चीज़ से, उस क्योंकि या तो आप माँ हैं या आप एक माँ के बच्चे हैं, तो दोनों ये समझेंगे कि वो माँ की एक सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, उससे आप हर कोई कनेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। अरे हम लोग एपिसोड देखने अभी चलो फोटो मैं यहाँ पे आई चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ इसे भेजना सही रहेगा, वो तो पता है इसके वो बीमारी है। तो आपको लगता है फिर से Thank you.
लेके गए थे, लेकिन एक बार उन्होंने स्टंट डबल को सिर्फ करते हुए देखा और फर्स्ट टाइम करते हुए भी उन्होंने पूरा वो कर लिया खुद। तो स्टंट डबल के शॉट्स आपको अब नहीं मिलेंगे, सारे शॉट इनके खुद के वाले हैं। सबके सपोर्ट की वजह से हो गया। इनकी पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी देखने के लिए कि क्या कर रही है। यही कहूँगी कि देखते रहे कि आगे बहुत कुछ होना बाकी है और इस शो में वो सब मिलेगा जो एक्चुअली बाकी शोज में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है। एआई के ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है, तो इस शो में ये हम सब एक्सप्लोर करेंगे एआई के क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, क्या एवोल्यूशन है एआई का, ये सब हमको देखने मिलेगा। ये नॉर्मल सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है, इसमें हम एक्चुअली क्योंकि मौली जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है, तो वो क्रिएट करेगी एआई से और उसका एक डेवलपमेंट जो होगा, तो ये मुझे लगता है इंफॉर्मेटिव भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, और एज वेल एज एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि रोबोट के जो स्टेजेस हैं तो उसमें कुछ कुछ गूफ अप्स होंगे, मज़ा भी होगा। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ हाथ है, फिर वो हाथ से पूरा बनेगा, तो वो तो अभी पूरा उसका स्टेज देखने मिलेगा। हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है, लेकिन वही जैसे वो कह रहे हैं, कभी उम्मीद नहीं थी कि टीवी में हम लोग को इस सब्जेक्ट पे कुछ करने मिलेगा। जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी पता था उसके बारे में, सिंगुलरिटी के बारे में, ये सब कोई बात भी नहीं करता है। अभी आपने जो देखा, भी कभी अपने
कोई कंपेयर कर रहा था उस दिन की हमारी बहू रजनीकांत जैसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बहू रजनीकांत में एआई से कोई रिलेट, वो एक रोबोट था उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये सिफरा भी जो अभी आई है, वो सिफरा तो आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, ऊपर ऊपर से बता दिया। आपने आपने गर्लफ्रेंड को रोबोट बता दिया तो वो एआई नहीं हो जाता है, तो वैसा नहीं है ये। इसमें आपको पूरे स्टेजेस देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि कितनी कोडिंग लगती है, क्या होता है। एक कोड डालने से रोबोट चेंज हो जाता है, दूसरा कोड डालने से रोबोट कुछ और तरह से चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसा नहीं हमको इस क्लासरूम नहीं चला रहे। तो सर जैसे आपने ये अभी आज का एपिसोड देखा, इतना सारा एक्शन था, एडवेंचर था, ये सब के बीच में से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और सब में आपको दबा के एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें बहुत एक्शन है। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मज़ा आता है। बट इन दिस केस इट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक ब्रिज में से छोटी लड़की को 100 फीट नीचे फेंकना और वो रेडी हो जाना करने के लिए, उसकी पूरी फैमिली रेडी होना कि हाँ ठीक है कर लीजिए, टेंशन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। और हम तारा को कोई भी स्टंट करने के लिए बोलते हैं तो तारा तो भाग के आती है, तो है। और मौली जी का तो आपको पता है, वो मतलब आपने ओके भी बोल दिया तो फिर मेरे पे एक और चाहिए और करेगी वो। तो ऐसे तो लोग मिलते नहीं है जनरली। हमारी पूरी कास्ट बहुत लकीली ऐसी सेट हुई है कि आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज़ लाइक ए लिटरली गोइंग टू हैव फन एवरी डे। जब मैं शूट करने जाता हूँ तो यही होता है कि मतलब मज़ा आने वाला है। नहीं 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 ऐसा थोड़ी करेंगे यार, ये शो होने आते आते थोड़ा टाइम लग गया, बाकी हम लोग कोई टाइम नहीं लगाते। हाँ ये बहुत पहले आने वाले थे हम लोग, बहुत टाइम लगा, बाकी अगर इतना टाइम लगता होता तो फिर हम ये सब शूटिंग भी करवाते थे, तो मतलब अभी तक भोपाल में ही होते। फोर्सिबली उनको देखना पड़ता है क्योंकि हमारे दोनों शो है, तो उनको तो पहले देखना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये शो काफी अलग है, टेलीविजन में ऐसा शोज दिखाए नहीं है एआई, तो फिर वो तो देखना था। कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टेलीविजन में, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा, मतलब एआई में। I'll tell you something, जो मैं personally अगर मैं बताऊँ as an artist, as a, like, you know, not an actor, as an artist, you know, I think so one has to be bold enough to bring something new in the market to, जो actually क्या था हमारी television की जो रीत चलती आ रही है कि अत्याचार बीवी पे, सास पे, बहू पे, I think so that ice has to be, you know, break now, अभी वो खत्म करना चाहिए थोड़ा सा, वो I think so break करना चाहिए, and this is a very very good start. And bringing our topic with AI, which is quite a hot topic right now in the world, or I personally love it. And हमने तो देखा है सर, जब starting से shoot कर रहे थे, and we were shooting for Qayamat, the same period of time on set सुनते थे कि show कैसे चल रहा है, shoot कैसे चल रहा है, story क्या है, so I'm quite familiar with it. आप लोगों ने कितना ज़्यादा AI को लेकर, मतलब कितना आप लोग बड़े AI से वगैरह में आप कुछ अगर आप बता सकें, क्योंकि future में AI का ज़्यादा काफ़ी use होने वाला है, हर जगह AI. मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फ्रैंकली।
अरे हम कयामत केस में भी हम लोग तालियां बजाते हैं सर के सारे शोज में तालियां ही बजती हैं आई थिंक सो जब आप कोई यूनिक कांसेप्ट लेकर आओ कुछ ऐसा लेकर आओ आई थिंक सो जो हटके हो बाकी दूसरे शो से तो आई थिंक सो तालियां और सीटी तो अपने आप ही बज जाती हैं सो यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट वो आपके इमोशंस बाहर उभर कर आ जाते हैं और आपके शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है I would like to thank everybody on floor for that because honestly, it's not just you know, one person's team. It's everybody who's giving their best efforts, you know, to bring the best out of it, and including the cast, director, production, and the technicians, and the story all together. Yeah, Kayamat ki story bhi bahut unique hai. Yeah. Wo hisab se wo bhi to koi saath mein story hai nahi. Yeah. So Kayamat ki story itni unique hai, wo love story itni unique hai. और फिर ये वाइफ वाला ट्रैक भी इतना यूनिक है बहुत यूनिक है सर के सारे आपके कॉन्सेप्टेशन भी आपको बाद में शो टेलीकास्ट होने के बाद आप लोगों को आपके काम को लेकर सी ऑनेस्टली फर्स्ट थिंग आई थिंक सो मेरा मानना है कि अगर आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना कुछ लोग होते हैं आई वुड नॉट से कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं या मैं नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सुनकर अप्रिसिएशन भटक जाते हैं अपने रास्ते से उनका फोकस थोड़ा डामाडोल हो जाता है सो बैक एंड पे अप्रिसिएशन रहता है ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिलता है कि आपको अप्रिशिएट किया गया बट ऑन फेस आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता रीजन टू दैट इज़ लाइक बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है वो एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट किया आई थिंक सो फेस पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को कभी इंसान भटक जाता है नहीं हम लोग तो करते लेकिन आती अप्रिसिएशन आती है मुझे जब आपको पता कि आपके को एक्टर ने यू नो गिव एंड टेक बहुत अच्छा किया आपके साथ सो यू शुड अप्रिशिएट दैट एंड वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी थैंक यू चलो पार्टी एंजॉय करो मेरे घर आ रहे हो जी आपके घर ओके ओके लिसन मैं अंदर ही वेस्ट में हूँ मैं निकल रही हूँ यहाँ से 5 मिनट में ओके ओके एक लास्ट कॉल दिया फोन कर लेते रुको इसके बहुत फोन आ चुके हैं एक सेकेंड प्लीज आई एम वेरी बिजी यू नो जिया हाँ ठीक है ओके बाय मैं आ रही हूँ निकल यहाँ से हाँ जी यस यस मैम पोस्टर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इस जगह होनी चाहिए एआई के मेरा कुछ तो इस जगह पे है अगर आपने एपिसोड देखा है वहाँ पे एक लड़की है जिसने यहाँ पे ऐसे चोटियाँ लगाई हैं क्या बोलते हैं इसको चोकर पहना है चेक शर्ट पहना है कुछ याद आया कुछ दिव्या शर्मा दिव्य दृष्टि का लुक है वो क्या बात है क्या बात तो मुझे मेरी खुद की याद आ गई उसे देख के क्या कहना चाहिए मैम एआई पर टेलीविजन शो आना कुछ अलग कर टेलीविजन अलग मतलब सी मैं तो ये डेफिनेटली इसलिए देखूंगी क्योंकि आज का शो है रिलेटेबल शो है बच्चों को एआई रोबोट्स ये सारी चीज़ें देखने बहुत पसंद आता है तुझे याद है बचपन में एक रोबोट वाला शो आता था उस लड़की का नाम विकी था स्मॉल वंडर हम लोग वो कितना देखते थे सो आई एम श्योर आज की जनरेशन के बच्चे भी ये देख के बहुत एक्साइटेड होंगे एंड दे विल लव वॉचिंग इट एक्चुअली ये एआई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी लाइफ में पूरी तरह घुस चुकी है और हर कोई ना एआई को यूज़ करता है पर शायद अवेयर नहीं है कि वो यूज़ कर रहा है सो आई थिंक ये शो आने के बाद काफ़ी लोग एजुकेट हो गए कि एआई कैसे काम करती है कैसे चीज़ें आप कितना बेनिफिशियल है कितना अच्छा नहीं है तो या इट इज़ गोना बी वेरी गुड एंड इट्स वेरी फ्रेश क्या आपको लगता है कि एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर पाए खतरा तो बड़ा है 100% हो सकता है बहुत खतरा है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स में भी गोविंदा जी का एक रील देखा मैंने ऋतिक रोशन का एक रील देखा एकदम यंग वर्जन लाइक
हम लोग को तो सर्टन फील हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद शायद हमारी जरूरत नहीं पड़े तो बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल नोबडी कैन बीट अस लेकिन पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव के इफेक्ट है उनका मतलब गलत यूज जैसे आपने कहा गोविंदा जी का हो या हमने देखा कि रश्मिका जी का भी गलत तरीके से यूज किया आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए बहुत डेंजरस है इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था रिगार्डिंग एआई कि उसका यूज़ करेक्ट तरीके से होना चाहिए सो आई फील इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग एंड एवरीबडी शुड बी यू नो एजुकेटेड विद इट आई थिंक जो जो इंफ्रिंजमेंट वाले जो रूल्स होते हैं दैट हैज टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि चीज़ें नहीं कंट्रोल में आए या सो दैट हैज जो एआई जितना डैमेज कर सकता है ना उतना we really have to take care how to control that aage ki kya kuch planning hai koi naya project ke bare mein agar aap bata sake aajkal to aap log free hote hain to kuch agar aap bata sake khabrein bahut kuch aa rahi hai in dino aap jaanti hoge har jagah khabrein intelligent karke instagram ho india ho आप खुद बता देंगे तो अच्छा मैं अपना खुद बता देती हूँ मैं अभी मेरा एक वेब सीरीज खत्म हो चुका है वो रिलीज में है एक फिल्म का शूट चल रहा है वो भी खत्म हो रहा है स्केड्यूल में शूट कर रही हूँ उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी मई में उसके बाद कुछ शोज की बातचीत चल रही है जो मुझे पसंद आएगा मैं मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे कि मैं ये शो कर रहा हूँ एग्जैक्टली यूजुअली आप ही ब्रेक करते हैं कि यू नो हर्ष राजपूत इज डूइंग दिस शो तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे और मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ ये भी क्लियर कर देती हूँ ओके इट्स अ सैड थिंग जहाँ पे पॉपुलैरिटी होती है वहाँ पे थ्रेट भी होता है एंड मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अपने लाइफ में क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और दूसरों के पीछे क्यों पागल होते हैं ये चाहिए ट्रोलर्स हो जाए या चाहे ये थ्रेटनिंग पीपल हो जाए आई थिंक गेट अ लाइफ मैन क्या आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो क्रेजी मेरे हिसाब से बहुत गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब किसी के लिए भी नॉट ओनली मतलब ऑफकोर्स सलमान खान की एक सेलिब्रिटी है यू नो काफ़ी न्यूज़ उनके बारे में बनती है पर ये एक नॉर्मल इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स एंड पुलिस शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन थैंक यू थैंक यू